हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जूरी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं चल रही हूँ पेड़े पानी डालने के लिए। और ये देख सकते हो मेरे कान की पट्टी है, हट गई है और अभी इस पर ना थोड़ा सा जख्म है। अभी एक उन्होंने लोशन बताया हुआ था, उस लोशन को यूज़ करना है मुझे इसके ऊपर, तभी जाके 5-6 दिन में ये भी ठीक हो पाएगा। तो चलो अब मैं चलती हूँ, पर पहले पानी डाल आती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं मिलती हूँ। सो गाइस, ये देख सकते हो ये मनी प्लांट का पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये इतनी ज़्यादा फैल गई है कि मैं क्या बताऊँ। और आप खुद ही देख सकते हो, और शाम का इतना औसम वाला लुक आ रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। और ये देखो मेरे नींबू संतरे हैं ये, और ये देख सकते हो कुछ पके हैं कुछ कच्चे हैं, और इसे कोई खाता नहीं है, ऐसे ही ये पक पक के गिरते ही रहते क्योंकि इतना ज़्यादा खट्टा होता है ना, इसे खाया ही नहीं जा सकता। और ये देखो मेरे गुलाब के फूल, इसमें इस पेड़ में ना 2 कलर के आते हैं, एक पिंक होता है डार्क पिंक और एक बेबी पिंक। और ये देख सकते हो मेरे आम आम लटके हुए हैं, और ये नींबू का ही पेड़ है ये भी, और ये खिरिस इसमें ना घिस घिस के ना ये आम में भी दाग आ गए। और ये देखो मेरी तुलसी माता, और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला हुआ है मनी प्लांट। सो गाइस, मैं पानी डाल के आ गई हूँ और अभी मैं किचन के गेट पर बैठी हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहोगे। ये देखो किचन के गेट पे मैं बैठी हुई हूँ और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आप लोग सोच रहे हैं इतनी जल्दी खाना, तो हाँ मैं इतनी जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल का ब्लॉग में आप लोगों ने मैं देख ही लिया होगा और मैंने उसमें बताया था कि मेरे पेट में दर्द हो गया था। तो आज मैंने दोपहर में खिचड़ी बना ली थी, तो मम्मी ने कहा मैं भी खिचड़ी खा लूँगी, तो बस हमने आज हल्का खाना बनाया था। तो मैंने सोचा अब चलो इतना टाइम हो गया और मैं बना देती हूँ खाना, क्योंकि सब ने दोपहर में हल्का खाना ही खाया था। तो चलो अब मैं बनाऊँगी दाल चावल बनाऊँगी और भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। वैसे भिंडी की भुजिया की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस अब मैं दूर से ही दिखाऊँगी। तो चलो आप लोग देखो और मैं अपना काम में लग जाती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल और भुजिया बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पतीले में चावल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इस बर्तन में मैं दाल बनाऊँगी। इसमें दाल बनाने से ना काफ़ी अच्छी टेस्ट आती है। ये मूंग मसूर की दाल जब भी बनाती हूँ मैं इसी में बनाती हूँ, और इससे ना काफ़ी अच्छी टेस्ट भी आती है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और जितना कुकर में बना उतना टेस्ट नहीं आता, पर इसमें जो बनाती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि मसाले में डेली के मसाले नमक हल्दी और गरम मसाला धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, यही सब डाल दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं दाल भी धो के डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल ली हुई है और दोनों को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से धो लूँगी, और दोनों को इस डब्बे में मैं रखती हूँ और 5-6 पानी इसमें इसको धोऊँगी, क्योंकि इसमें जो ना पाउडर टाइप का निकलता है। और धुली मूँग की दाल तो ऐसी ही आती है, और मूँग मसूर की दाल में भी थोड़ी बहुत तो मिक्स होता ही है। और ये आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 4-5 पानी से धोऊंगी, फिर एक अच्छे पानी से साफ पानी से धोऊंगी, क्योंकि मैं जब भी टोटे का पानी यूज़ करती हूँ तो एक पानी साफ से मैं ज़रूर धोती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने धो लिया है और अच्छे पानी से एक बार साफ पानी से भी मैं इसको वॉश कर लूँगी दाल को। उसके बाद वहाँ पे देख सकते हो आप मैंने प्याज और टमाटर लिए हैं, तो इसको भी मैं काट के इसमें डालूंगी। और एक बार आप ज़रूर बनाना इस तरीके से दाल, काफ़ी अच्छी लगती है दाल खाने में ऐसी। और बस मैंने यहाँ पे दाल डाल दिया है और यहाँ पे जो टमाटर और मैंने ये प्याज लिए हुए हैं और एक हरी मिर्च भी ली थी मैंने, और हरी मिर्च भी एक डालूंगी। और मुझे अच्छा लगता है तीनों मिर्च को मिक्स कर देती हूँ मैं, हरी मिर्च लाल मिर्च और लाल मिर्च पिसी हुई, तीनों को मैं यूज़ करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे चॉपर में काट लूँगी सारे प्याज को भी, और प्याज और टमाटर और मिर्च तीनों को, फिर उसके बाद काटने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दाल में। तो मैंने इसको पहले प्याज को धो लिया है पानी से। ऐसा अक्सर ही होता है कि जैसे प्याज काटो तो सबके आँख में आँसू आ ही जाते हैं, अगर आँसू आप अपने आँख में नहीं लाना चाहते हो तो प्याज को काट के डायरेक्ट पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दो, और उसके बाद फिर जो इसमें जो भी होते हैं सारे निकल जाते हैं। उसके बाद ये प्याज से काटने में फिर आंसू नहीं निकलते हैं। तो बस मैं यहाँ पे चॉपर में काट लिया है मैंने, इसको भी मैं डाल दूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाल दूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है, कभी लाइट
ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, तो इसको इग्नोर करना। और बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसमें तेल भी डाल दूँगी। तेल डाल के मैं इसको ढक के इसको स्लो गैस पे पकाऊँगी बिल्कुल, और आधे घंटे लग जाते हैं इसे बनाने में और अच्छी लगती है अगर इस तरीके से धीरे धीरे आराम 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 से बनाओ। तो ये ढक्कन ढक दिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मेरे चावल के पानी भी गर्म हो चुके हैं। और आप देख सकते हो कि दाल के मैंने जो जिस पे मैंने दाल चढ़ाई उसकी मैंने आँच स्लो कर रखी है। और यहाँ पे बस चावल के पानी को भी सॉरी चावल को भी मैं धो लूँगी क्योंकि इसका भी पानी मेरा हो चुका है गर्म। तो बस मैं चावल डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दाल चावल बनाने के बाद ही आपको मिलूँगी। मिलूँगी क्या मतलब, खाना बनाते ही मिलूँगी। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने सलाद काटने के लिए यहाँ पर सब चीज़ निकाल लिया, और भुजिया काटने के लिए मैंने भिंडी निकाल रखी है। तो बस इसको मैं चावल को डाल के उसके बाद मैं इसको चला दूँगी, और बस मैं यहाँ पे दाल चावल चढ़ा के और उसके बाद यहाँ पे मैं सलाद काट लूँगी। पहले सलाद नहीं, पहले इसकी जो भुजिया मैं बनाऊँगी, भुजिया के लिए मैं पहले यहाँ पे प्याज मिर्च काट लूँगी। और मैं भिंडी की भुजिया बना रही हूँ, आप लोग को मैंने बता दिया 2-3 बार, मेरी आदत पता नहीं ऐसे क्यों है कि मैं, मुझे ऐसा लगता है मैंने बोला ही नहीं है, भूल गई हूँ, पर मैं ऐसे बोलते बोलते 2-3 बार बोल देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं प्याज को काट के डायरेक्ट पानी में डाल दूँगी, और यहाँ पर फिर मैं उसके बाद ये खीरा और ये जो टमाटर है इसको भी मैं सलाद काट के रख लूँगी। और जब तक ये बनेंगे, थोड़ी फ्रीज में रखा हुआ था तो ज़्यादा ठंडे तो और इतने ठंडे हम लोग खाते ही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैं काट के बाहर रख दूँगी, थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी तो सही लगेंगे खाने में। तो बस मैं यहाँ पे सलाद काट लेती हूँ, और बस देख ही लो आप और क्या बोलूँ आगे मैं। तो बस मेरे यहाँ पे सलाद खीरे जो हैं कट चुके हैं, और यहाँ पे टमाटर काट लूँगी। प्याज हम लोग नहीं खाते हैं ज़्यादातर सलाद में, और बस खीरा और टमाटर ही खाते हैं, प्याज अच्छे ही नहीं लगते हमें खाने में। तो बस यहाँ पे मेरा सलाद कट चुका है, और उसके बाद देख सकते हो मेरा यहाँ पे चावल भी बन गया है। तो मैं चावल को पसा लूँगी पानी इसका, और मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ तो मैं डायरेक्ट गर्म पानी ऐसे नहीं डाल रही हूँ चावल का पानी, मैंने वहाँ पे टोटी खोल रखा है ताकि ठंडा पानी भी नीचे गिरे। ऐसे डायरेक्ट पानी गर्म पानी नीचे नहीं डालना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे टोटी खोल दी है ताकि दोनों पानी मिक्स हो के फिर उसके बाद ये गिरे। तो बस मेरे यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं, और काफ़ी अच्छे और फ्रेश चावल बने हैं इसमें। और उसके बाद मेरे यहाँ पे दाल भी बन चुके हैं, तो और उसके बाद मैं अब दाल को फ्राई कर लेती हूँ, छौंका लगा देती हूँ इसमें। तो छौंका लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन को काट लिया था पहले ही, और छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था। तो बस मेरे यहाँ पर ये गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है सरसों का, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें जीरा ऐड कर दूँगी। और जीरा डालने के बाद थोड़ी सी हींग डाल दूँगी मैं इसमें, और उसके बाद फिर इसमें लहसुन जो मैंने काटे हुए थे बारीक, आप देख सकते हो लहसुन को भी मैं डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लाल मिर्च लिए हुए थे 2, जो कि मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। और उसके बाद फिर इसमें मैं जब ये अच्छे तरीके से पक जाए इसके बाद इसको मैं छौंक दूँगी, और यहाँ पे मैं कढ़ाई भी चढ़ा दूँगी भुजिया बनाने के लिए। वैसे मैंने भुजिया की रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके पास 7-2 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार मैं नहीं करूँगी, बस दाल चावल वाली वैसे भी शेयर कहाँ करी, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बस यहाँ पर मेरा फटाफट खाना बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, तेल डाल दिया था, उसके बाद तेल डालने के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्याज का काट रखे थे, जीरा डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया। तो चलो मैं आपको खाना बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे, और मैं आपको खाना दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया था और क्या खाया था। सो गाइस, मेरा यहाँ पे खाना बन चुका है, ये देखो मेरी दाल, और ये रहे मेरे चावल, और ये रहे मेरे सलाद जो कि मैंने खाली खीरा लिया हुआ था, टमाटर मुझे पसंद नहीं है, और ये देखो आलू के भरता और भिंडी की भुजिया। बस यही हमारा डिनर था आज का, और उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट डे मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और शाम के बज रहे हैं अभी 6, और मैं ऊपर आई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कल भी जब ब्लॉग स्टार्ट किया तो इवनिंग का ही टाइम था, और अभी भी इवनिंग का ही। तो सो गाइस, मैं सुबह से ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि परसों मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो इसलिए मुझे ही सारा काम करना पड़ा ऊपर नीचे का, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, और जल्दी जल्दी करना पड़ा, इसलिए मैं ब्लॉग कोई नहीं बना पाई, वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऊपर नीचे मुझे ही करना पड़ा, खाना वगैरह भी कपड़े वगैरह भी काम हो ही जाते हैं घर में, इसलिए।
तो इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया सुबह से, और मेरा ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो कोई मतलब ही नहीं बनता बड़ा करने का, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं अभी ब्लॉग का एंड कर दूं। और मेरी सावन की भी साफ़ सफाई चल रही, भाई सावन आ रहे तो साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगा इसीलिए। और मेरा आज सावन का जो साफ़ सफाई होता है घर के, वो सारे फिनिश हो चुके हैं, अब कोई काम नहीं है घर का, सारा साफ़ सफाई मतलब हो गए हैं घर के। तो सो गाइस, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, बस यही रीज़न था। और मैं आज कुछ शूट भी नहीं कर पाई ढंग का, तो बस यही आज का मेरा वीडियो था। अगर और ये देखो, मैं ऊपर आई थी ना, तो ये देखो ये आम ना पक के गिर गए थे, ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और जस्ट अभी अभी गिरे थे, ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था, और इसकी खुशबू तो क्या बताऊँ। और ये हमारे पेड़ के आम में इतने मीठे लगते हैं कि मैंने ऐसे आम तो कभी खाए ही नहीं है, इतने ज़्यादा प्यारे हैं और इतने मीठे हैं। तो सो गाइस, मैं ये ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको, तो इसे मेक श्योर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलो गाइस, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आम से ही बाय कर रही हूँ आपको, बाय।